Good morning, students. How are you all? Today I am going to explain you chapter 11 in the Bazaars of Hyderabad, that is a poem written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, ये freedom fighter थी. I hope आप जानते हो इनके बारे में. She wrote very well. उन्होंने बहुत सारी poems लिखी हैं और ये उनकी एक famous poem है. और ये उन्होंने लिखा था टू सपोर्ट स्वदेशी मूवमेंट, जो गांधी जी ने लॉन्च किया था एक मूवमेंट कि विदेशी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है और हमारी स्वदेशी, हमारे इंडिया में हर सामान अवेलेबल है, हमारे लोग सब सामान बनाते हैं, तो उसको प्रमोट करना, इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखी. और इसमें उन्होंने बताया कि हैदराबाद के बाज़ार, मीन्स किसी भी शहर के बाज़ार हो सकते हैं ये, कि हैदराबाद के बाज़ार में क्या क्या सामान मिलता है. इट मीन्स कि हर चीज़ है. अभी हम इसको पढ़ेंगे, देन विल कम टू नो कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द बाज़ार्स ऑफ इंडिया, बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद. और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है ये हमारी पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade. यहाँ पर वो पूछ रही हैं कि भाई दुकानदारों, merchants, व्यापारियों, आप लोग क्या बेच रहे हो, sell क्या कर रहे हो. और वो कह रहे हैं richly your wares are displayed, कि आपके जो सामान हैं वो बहुत कीमती, बेशकीमती और सुंदर दिख रहे हैं. और क्या क्या है, क्या आंसर क्या मिलता है? टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. टर्बन्स में सर पर पहनने के लिए कोई पगड़ी, साफा, जो क्रिम्सन है, रेड का एक शेड होता है, डार्क रेड, रेड और सिल्वर कलर से बनी हुई है, या कहें कि रेड कलर की पगड़ी है, उन पर सिल्वर गोटा या कुछ इस तरह की चीज़ें की हुई हैं. एंड ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ट्यूनिक्स होती हैं, एक लेडीज़ का एक ड्रेस होता है जो बहुत ही लूज फिटिंग का होता है और नी लेंथ का होता है, घुटनों तक आती है, फ्रॉक कह सकते हैं. लेकिन ये राजा महाराजाओं के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि पर्पल कलर के सिल्क के कपड़े से बनाया हुआ, जिसके ऊपर गोल्डन वर्क होता है, तो कुछ इस तरह की उनकी पोशाक बनाई गई है. मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर. शीशे जिनमें हम चेहरा देखते हैं, ऐसे शीशे बिक रहे हैं और जिनके चारों तरफ पैनल्स मीन्स फ्रेम, फ्रेम लगाया हुआ है, गोल्ड, गोल्डन फ्रेम, एम्बर. डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड. डैगर्स मीन्स छोटी छुरियाँ, तलवार बड़ी होती है, ये छुरी चाकू से बड़ा और तलवार से छोटा, जिसके हैंडल जेड, एक हरे रंग का कीमती पत्थर होता, उससे बनाए गए हैं. व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स. वेंडर्स मीन्स सामान बेचने वाले. तो उनसे पूछा उन्होंने कि आप लोग क्या वे कर रहे हो, तोल रहे हो, किस चीज़ को तोल रहे हो, क्या क्या है. तो आंसर मिलता है सैफरिन एंड लेंटिन एंड राइस. सैफरिन मीन्स केसर, लेंटिल मीन्स मसूर की दाल, और राइस चावल. व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स. तो कुछ लड़कियाँ कुछ पीस रही थी, ग्राइंड माने पीसना. तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग क्या पीस रहे हो. तो आंसर मिलता है सैंडलवुड, चंदन, हेना, मेहंदी एंड स्पाइसेस, मसाले, कि हम लोग ये सामान पीस रहे हैं. व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स. पेडलर्स मीन्स पैदल चलने वाले. तो वो सामान के लिए आवाज़ लगाते हैं ना, जैसे फेरी वाले आते हैं तो वो ज़ोर से आवाज़ें देते हैं. तो इन्होंने पूछा कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों आवाज़ें लगा रहे हो, किस चीज़ के लिए. तो उन्होंने बताया चेसमैन एंड आइवरी डाइस. चेसमैन मीन्स शतरंज, चेस सब जानते हो, तो उसके जो मोहरे होते हैं वो, और आइवरी डाइस, डाइस माने आइवरी कलर का पासा, जो हम लोग नॉर्मली लूडो में यूज़ करते हैं. व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स. गोल्ड स्मिथ माने सुनार. तो अब पोएटिस उनसे जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या बना रहे हो. उन्होंने बताया रिस्टलेट, एंकलेट एंड रिंग. रिस्टलेट मीन्स रिस्ट होता है कलाई, हाथ की कलाई,
उसमें पहनने के लिए एक कोई ऑर्नामेंट, एंकलेट मीन्स पायल और रिंग मीन्स अंगूठियाँ, तो ये चीज़ें बना रहे हैं। और बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और ब्लू पिजन्स के पैरों में बांधने के लिए छोटी छोटी घंटियाँ बजा रहे हैं। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, और वो घंटियाँ कैसी हैं, बहुत ही छोटी छोटी और नाजुक सी हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई के। फ्रेल माने कमज़ोर, वीक, नाजुक कहें हम यहाँ पर। ड्रैगन फ्लाई के विंग, ड्रैगन फ्लाई एक बहुत ही नाजुक सा एक इंसेक्ट है जिसके पंख बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, तो उसके साथ कंपेयर किया है। गिर्डल्स, गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, गिर्डल्स मीन्स कमर पे पहने जाने वाली एक गोल्ड का, जिसको हम कमरबंद कहते हैं, बेल्ट कह सकते हैं, तो ये लेडीज़ भी पहनती हैं और डांसर्स भी पहनते हैं, तो वो बना रहे हैं। स्कैबर्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबर्स होते हैं तलवार रखने का जो कवर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं म्यान, कि वो सोने की म्यान बना रहे हैं राजाओं के लिए। इतना सब कुछ बना रहे हैं सुनार। इट मीन्स पोएटिस कह रही हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, हमें बाहर से, विदेशों से कोई सामान नहीं मंगाना। नेक्स्ट, वाई डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन, फ्रूट मैन मीन्स फल बेचने वाला। सिट्रिन पोमेग्रेनेट एंड प्लम, सिट्रिन नींबू, पोमेग्रेनेट अनार, प्लम बेर या आलू बुखारा। वॉट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, सितार, सारंगी एंड ड्रम। अब उन्होंने म्यूजिशियन से पूछा कि आप लोग क्या बजा रहे हो, उन्होंने कहा सितार है, सारंगी है, ड्रम मीन्स तबला या ढोलक है। वॉट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, स्पेल्स फॉर एयोन टू कम। अब उन्होंने मैजिशियंस मीन्स जादूगरों से पूछा कि आप लोग क्या चैंट मीन्स कौन से मंत्र पढ़ रहे हो, चैंट होता है मंत्र पढ़ना, जादुई मंत्र पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ इस तरह के मंत्र पढ़ रहे हैं जिससे कि युग अच्छा वक्त आ जाए और अच्छा वक्त हमेशा हमेशा के लिए रहे हमारे साथ। वॉट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स विद टैसल्स ऑफ एजर एंड रेड। अब उन्होंने फूल वाली लड़कियों से, जो फूल बेचने वाली लड़कियां होती हैं, उनसे पूछा कि आप लोग क्या बुन रहे हो, क्या बना रहे हो, जिनमें एजर मीन्स ब्लू और रेड, ब्लू और रेड कलर के टैसल्स मीन्स लटकन, सजाने के लिए लटकन लगती हैं, फुनने लगते हैं, वो लगे हुए हैं। तो तुम क्या बना रही हो जिसमें एजर और रेड, ब्लू और रेड कलर के टैसल्स लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम क्या बना रहे हैं, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। क्राउन माने मुकुट, ब्रोज मीन्स जो पहले थोड़ा माथे पे नीचे करके मुकुट बांधे जाते थे शादियों में, तो इस तरीके के मुकुट बना रही हैं वो। एक्चुअली मुस्लिम शादियों में इनको पहना जाता है, जो यहाँ माथे पर बांधा जाता है और उनका दूल्हों का चेहरा कवर हो जाता है, जिसको सेहरा भी बोलते हैं हम, जो आईब्रोज के ऊपर बांधा जाता है माथे पर। तो इन्होंने कहा कि हम दूल्हों के लिए फूलों का एक क्राउन बना रहे हैं। और चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और जो न्यूली वेड लोग होते हैं उनके बेड को सजाने के लिए हम छोटे छोटे फूलों की मालाएं बना रहे हैं। और इसके साथ ही शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। और मरे हुए लोगों के ऊपर या मज़ारों पर जो सफ़ेद फूलों की चादर चढ़ाई जाती है, हम वो भी बना रहे हैं। इन शॉर्ट, पोएटेस ने हमें ये भी समझाने की कोशिश की कि फूल हमारे जीवन में हर जगह काम आते हैं, हमारी शादियों से लेके मीन्स जो खुशी होती है, जो एक नए जीवन की शुरुआत होती है, वहाँ भी काम आते हैं। और जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको इस संसार से गुड बाय कहने में, विदा करने में भी वही फूल काम आते हैं। With this, we come to the end of this poem. We'll meet in next session with word meanings and exercise and question answers. Till then, take care and goodbye.